और मराठी सिनेमा की एक ऐसी सशक्त अभिनेत्री बनकर उभरी थीं जिनके आगे सभी नतमस्तक थे। अपने टैलेंट और जबरदस्त हुनर के बल पर उन्होंने दोनों फिल्म इंडस्ट्री में जो पहचान कायम की, शायद ही कोई उस तक पहुंच पाए। सिर्फ थिएटर और फिल्में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी रीमा लागू ने अपनी धमक महसूस करवाई और कई यादगार किरदार गढ़े। आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते वो कई ऐसे अद्भुत किरदार दे गई हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। फिर चाहे वो श्रीमान श्रीमती की शकु और झगड़ालू बीवी का किरदार हो या फिर तू तू मैं की सास, हर किरदार को रीमा लागू ने अपनी एक्टिंग से जीवंत कर दिया था। रीमा लागू ने अपने टीवी सफर की शुरुआत तू मैं से की थी। इस शो में वो एक ऐसी सास के किरदार में नजर आईं जिसकी अपनी बहू के साथ कभी खट्टी तो कभी मीठी तकरार होती रहती है। 90 के दशक में ये शो काफी लोकप्रिय हुआ था। लोग अपना खाना पीना छोड़ इस शो की ताक में ही रहते। इसमें निभाए किरदार के लिए रीमा लागू को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था। मशहूर टीवी शो श्रीमान श्रीमती को कैसे भूला जा सकता है? रीमा लागू के बिना इस टीवी शो का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। केकू और केशव की ये कहानी कुछ वैसी ही थी जैसी मॉडर्न जमाने के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर ही की है, लेकिन श्रीमान श्रीमती की तो बात ही कुछ और थी। उस शो में रीमा लागू केशव की मिजाज और झगड़ालू किस्म के रोल ने भी लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बनाए। इस शो में उनके अपोजिट जतिन कनकिया थे और दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। इसके बाद रीमा लागू ने कई और मशहूर टीवी शोज में किया जिनमें कड़वी, खट्टी मीठी और धड़कन जैसे कई टीवी शोज में काम किया था। इनमें भी उनके किरदारों को खूब पसंद किया गया। इन दिनों रीमा लागू महेश भट्ट के टीवी शो नामकरण में काम कर रही थीं। इस शो में उनका किरदार सास और माँ का ही था, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव। बावजूद इसके रीमा लागू के किरदार को काफी सराहा गया। इसी शो के एक शूट के दौरान रीमा लागू अपना हाथ जला बैठी थीं।